हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पेनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, आम का सीजन है, तो मार्केट में अभी भी कच्चे आम और पके आम मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे स्टोर करके रख लें। ये सब सीजनल चीज़ें हैं जो सीजन में तो खानी ही चाहिए, और अगर स्टोर करके रख ले तो सालों तक खा सकेंगे। इनकी आइसक्रीम, कुल्फी, मैंगो शेक और भी कई सारे डिजर्ट्स होते हैं जो बना के सालों तक हम खूब खा सकते हैं और मज़े उठा सकते हैं। लेकिन स्टोर करने में लोगों की शिकायत होती है, ये जो कलर चेंज कर देते हैं और इनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि इसका कलर व टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, यो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आम को कैसे स्टोर करेंगे, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। सबसे पहले जो भी आम आप लें स्टोर करने के लिए, उन्हें अच्छे से वाश कर लेना है। कोई भी आम आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम आम को रगड़ रगड़ कर साफ कर लेंगे। आम जो भी लीजिए एकदम टाइट लीजिए, गले या ज्यादा पके आम को मत ही लीजिए। जो आम गले होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं, इसीलिए इस तरह से टाइट टाइट आम ही लीजिएगा। ये लीजिए, मैंने आम को अच्छे से वाश कर लिया है। अब हम इनको सुखा लेंगे, क्योंकि इसमें पानी लगा नहीं होना चाहिए। आम को अच्छे से सुखाने के बाद इन्हें हम छील लेंगे। आप चाकू की हेल्प से या पीलर की हेल्प से छील सकते हैं। आम टाइट है तो आप पीलर से भी इसको आसानी से छील सकते हैं। आम टाइट है तो आप पीलर से भी इसको आसानी से छील सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आम ऊपर से तो देखने में टाइट होते हैं पर अंदर से थोड़े गले होते हैं। जो आम गले हैं उनको आप स्टोर ना कीजिएगा। इतने आम को हमने छील करके रख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इनको पीसेज में कट करेंगे। इस तरह से हम इनको पीसेज में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेज में भी हम इनको कट करेंगे। और ये गुठली के जो साइड वाले आम होते हैं उनको हम इस तरह से खुरच कर अलग रख लेंगे और इनकी हम एक प्यूरी बना लेंगे। आप इनको पीसेज में भी प्रिजर्व कर सकते हैं और प्यूरी बना करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारा पल्प जो है इसका निकाल लेंगे, जितना कि साइड में लगा होगा आम के। तो ये मैंने सारे आम को पीसेज में कट कर लिया है, पल्प भी अलग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आम को कैसे प्रिजर्व करना है। तो स्टोर करने के लिए हम इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस लेंगे, या आप जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप छोटी छोटी ही लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम स्टोर करके रखते हैं और थोड़ा सा यूज करना होता है तब भी हमें पूरे बॉक्स या पैकेट को निकालकर रूम टेम्परेचर पर करना पड़ता है, अपनी ज़रूरत भरकर निकालने के लिए। फिर बचे हुए पीसेज को दोबारा प्रिजर्व करने के लिए रखेंगे तो उनका टेस्ट और कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें आम को छोटे छोटे बॉक्स या जिप लॉक बैग में ही प्रिजर्व करेंगे। तो जितना हमें ज़रूरत होगा एक पैकेट हम निकाल लेंगे और यूज कर लेंगे। तो घर में आपके जिस तरह से बॉक्स हैं उनको लीजिएगा, तो प्लास्टिक या कांच के ही लीजिएगा जो आपके घर में अवेलेबल हो। अब हम इन पीसेज को इन बॉक्स में रख देंगे। तो यहाँ मैंने पीसेज को बॉक्स में रख दिया है, लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही प्रिजर्व करेंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहेंगे। और अगर ज़्यादा दिनों के लिए प्रिजर्व करना है तो हम इन पीसेज के ऊपर शुगर ऐड कर देंगे।
क्योंकि ये जो शुगर है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इन्हें मिक्स कर सकते हैं इन पीसेस के अंदर, और इन बॉक्स को एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा इसको खाली रहने देंगे। क्योंकि जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो आप देखते होंगे कि ढक्कन पर आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, तो यही आइस क्रिस्टल हमारे मैंगो पीसेस को टच करेगा तो आम हमारे जल्दी ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए बॉक्स को थोड़ा खाली रखेंगे। और अब हम इसको इस तरह से बंद करके फ्रीजर में रख देंगे। मैंने बॉक्सेज में रख दिया है। अब थोड़े आम को जिप लॉक बैग में भी रख देंगे। आप जिप लॉक बैग भी छोटे छोटे ही लीजिएगा इन आमों को रखने के लिए, बड़े में न रखिएगा, क्योंकि बड़े में जब हम रखेंगे तो एक साथ सारे आमों का यूज नहीं कर पाएंगे। फिर इनको निकालने के बाद दोबारा जब हम इनको फ्रीजर में रखेंगे तो इनका कलर व टेस्ट खराब हो जाएगा, इसीलिए जब भी आप इनको स्टोर करें तो छोटे छोटे जिप लॉक बैग या डिब्बे में ही स्टोर करें। तो यहाँ मैंने आम के पीसेस को जिप लॉक बैग में रख दिया है। इसमें भी हम शुगर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके जितनी भी एयर है उसको हम निकाल करके अच्छे से बंद कर देंगे। तो यहाँ मैंने सभी पीसेस को छोटे छोटे बॉक्सेज और छोटे छोटे जिप लॉक बैग में रख कर स्टोर कर लिया है। तो अब हम पल्प को भी देख लेते हैं कि पल्प का क्या करना है। तो ये पल्प हम लिए हैं, अब इनको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी पल्प को मिक्सर जार में डाल दिया है, अब इनको हम ग्राइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे आम के पीसेस ग्राइंड होकर के एक प्यूरी जैसे बन गए हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और अगर आपके आम में रेशे हों तो आप इन्हें छान लीजिए। मेरे आम में रेशे नहीं हैं तो इसे मैं ऐसे ही ले रही हूँ प्रिजर्व करने के लिए। इनमें हम शुगर डाल देंगे। आप शुगर पाउडर या खड़ा शुगर कोई भी डाल सकते हैं। अब इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, अब हमें इसे स्टोर करना है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम या तो कांच की बॉटल लेंगे या प्लास्टिक की कोई अच्छी सी बॉटल, इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। आपके पास जिप लॉक बैग हो तो उसमें भी आप रख सकते हैं, या फिर कॉफ़ी की अगर बड़ी सीसी हो तो उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर इनके पल्प को आइस ट्रे में रखकर जमा लें, जब ये जम जाए तो उन्हें जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। आप किसी तरह से भी इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। और सारे आमों को हमें फ्रीजर में ही रखना है, फ्रिज में नहीं। पके आम को इस तरह से स्टोर कीजिए और साल भर इसके मजे उठाइए। आप इसके आइसक्रीम, शेक, जो भी खाना चाहें वो आप, जब आपका मन हो आप इसको बना सकते हैं इन आमों को स्टोर करने से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।